भी लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। साइबर अपराधी इनाम जीतने संबंधी लिंक भेजते हैं और लोग लालच में उस लिंक पर जाकर साइबर अपराधी के अनुसार काम करने लगते हैं। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई पेमेंट करते हैं, इसके लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम में इन सब पर गहन शोध की जरूरत है। उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शोध के माध्यम से साइबर क्राइम जैसे चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साइबर क्राइम में सम्मिलित लोगों की मानसिक क्षमता का मानव हित में सदुपयोग करने की कोशिश होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रांची विश्वविद्यालय इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को गंभीरता पूर्वक निभाकर पूरे मानव समाज को लाभ प्रदान करेगा। इन दिनों साइबर क्राइम को लेकर कई मामले सामने आते हैं, खासकर झारखंड में काफ़ी जो है इसके मामले सामने आते हैं। रांची यूनिवर्सिटी में इसके लिए अब पढ़ाई की शुरुआत की जा रही है। राज्य के महामहिम राज्यपाल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत साइबर क्राइम के बढ़ते अपराध को देखते हुए इसकी पढ़ाई की शुरुआत की गई है। किस तरीके से इसमें नामांकन होंगी, कैसे नौकरियां मिलेंगी और किस तरीके से यह आजकल के दिनों में उपयोगी है, यह बताया है रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति ने। यह देखिए, देखिए रांची विश्वविद्यालय एक उभरता हुआ यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में पहला विश्वविद्यालय जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इस समय अगर देखा जाए तो झारखंड साइबर क्राइम में सबसे नामी गिरामी, ऐसे जामताड़ा जिला को देखा जाए तो इस टाइप से लोगों को लगता है। लेकिन आज जिस तरह से रांची यूनिवर्सिटी ने इससे बचने के लिए और बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक डिप्लोमा कोर्स खोले हैं, आज उनको गवर्नर साहब ने उद्घाटन किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी जगह रहे और पास आउट भी हो गए हैं तो दोबारा डिप्लोमा ले सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए। अगर एक व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है और साइबर क्राइम समझ जाता है, उनको साइबर सिक्योरिटी समझ जाता है, तो कई लोगों को दिशा दे सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है, ये भारत सरकार ने इसको लेकर के आए हैं और आज यहाँ ये डिप्लोमा शुरू हुआ है। मैं पूरा रांची विश्वविद्यालय कुलपति सहित सभी पूरे टीम को हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। और मैं एक विद्यार्थी रहने के कारण और यहाँ सीनेट की मेंबर होने के कारण मैं अपने आप को खुश नसीब और खुश किस्मती भी समझ रही हूँ कि मैं रांची विश्वविद्यालय की विद्यार्थी रही। इसमें टोटल 60 सीट रखे हैं बाबू, और इसके लिए हमें बीएससी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये समझ लो कि एक साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा है जिसमें कि हमें फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस सब कुछ का एक कम्बिनेशन है और बहुत हाई लेवल का कम्बिनेशन है। इसमें हमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम करेंगे, कोर्स सिलेबस बना लिए हैं, कोर्स कैरिकुलम बना लिए हैं, एग्जामिनेशन का मेथड बना लिए हैं, इसमें हमारे क्लासेस बना लिए हैं 40 घंटे का हमारा ये रहेगा। कुछ हमारे इसमें फॉरेन से भी कोलैबोरेट किए हैं 2-3 यूनिवर्सिटी से, वो टीचर लोग भी हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे। प्लस हमारे अभी जो देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो आए हुए हैं, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आए हुए हैं, वो लोग क्लास लेंगे। तो सब मिलाकर फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर्स क्लास लेंगे, मैथ्स के टीचर्स क्लास लेंगे। एक बहुत अच्छा कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि शुरू कर दें। इस कोर्स के आने से 2-3 फ़ायदा है। पहला है कि हम झारखंड का एक पहला विश्वविद्यालय हैं जहां पे साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी की बातें शुरू हो रही है। दूसरी चीज़ है कि आज के समय में ये बर्निंग प्रॉब्लम है और इस जैसे हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में आगे बढ़ेंगे, इमीडिएटली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुस जाएंगे, हम मशीन लर्निंग में घुस जाएंगे, डेटा साइंस में घुस जाएंगे, और ये सारी चीज़ें जो एक IIT या NIT दे रही है वो हम अपने स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होगा और प्लस हमारे पास जो बच्चे जनरेट होंगे वो तो हमारे नेशन के लिए ही तो काम करेंगे, चाहे जहाँ भी काम करें, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हुए, साइबर क्राइम से रिलेटेड हुए, जहाँ भी काम करें हमारे बच्चे तैयार रहेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर हम भी बहुत उत्साहित हैं और आज गवर्नर साहब से हमने इनॉग्रेट करवा लिया और अब मैं एडमिशन और क्लासेस शुरू करूंगा, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। नामांकन की प्रक्रिया जो होगी जी वो एज लिमिटेड होगा, कुछ एग्जामिनेशन के द्वारा होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाबू? इसको मैं कल तुम्हें 16 तारीख को अगर पूछोगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा जो टीम आई हुई है जिसके साथ हम MOU किए हैं, सारे लोगों के साथ मिलकर बैठकर एक डिसीजन लेंगे। सर ये पढ़ाई होती है ऐसे? देखो अभी IIT में हो रही है,
आईआईटी सारे आईआईटी में है। उसके बाद आप अगर जानेंगे कि हमारा एनआईटी सूरत कल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पढ़ाई हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में पढ़ाई हो रही है, बहुत कम जगहों पे है। एक नया चीज़ शुरू किए हैं झारखंड में, साइबर क्राइम पे लगाम लगाए। इतना हमारा सबसे बड़ा साइबर क्राइम का तो एरिया हमारा झारखंड ही है, आप जान ही रहे हैं। जिसके बारे में, जिस जगह के बारे में सब लोग नाम ले रहा है, तो हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी झारखंड को क्यों नहीं आगे बढ़ा दें।